Okay guys, let's start again. Today we are talking about the steam drum and its internal, or the basic use of the steam drum, and what are the meaning of the internals of the steam drum. We are going to discuss in this. Steam drum generally जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है उसका एक स्टैंडर्ड फीचर है. इट एक्ट्स लाइक अ रिजर्वायर. वी हैव द टू यूज ऑफ द स्टीम ड्रम. फर्स्ट, इट एक्ट्स लाइक अ रिजर्वायर, जिसका काम क्या है, वाटर और स्टीम के मिक्सचर को अपने पास स्टोर करके रखना. और आफ्टर स्टोरिंग दैट एलिमेंट, हम उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. सेकेंड, इसका यूज है टू द फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड स्टीम, वी आर सेपरेटिंग द स्टीम एंड वाटर, कि हमारे पास में क्या इकट्ठा होकर आ गया है, स्टीम और वाटर का मिक्सचर इकट्ठा होकर आ गया है. उस मिक्सचर में से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम एंड वाटर को डिफर डिफर सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं. तो वी हैव द बेसिकली टू यूज ऑफ द स्टीम ड्रम. फर्स्ट, इट वर्क्स लाइक अ रिजर्वायर. इट वर्क्स लाइक अ रिजर्वायर हु एक्ट्स एज अ स्टोरेज डिवाइस. जहां पर हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है वहां पर हम लोग है ना किसका यूज करते हैं, स्टीम ड्रम का यूज करते हैं. सेकंड, इट हेल्प्स टू सेपरेट द स्टीम फ्रॉम द वाटर. जो मेजर यूज है वो क्या है, सेकंड वाला, जिसके अंदर हम लोग क्या करना है, वाटर में से स्टीम के को सेपरेट करना है. ओके, व्हेन वी जनरेट आवर स्टीम, हमने जब स्टीम जनरेट करी है तो स्टीम जनरेट करने पर हमारे पास में क्या इश्यू जनरेट हो रहा है, व्हेन वी जनरेट द स्टीम. When we generate the steam, what we have the values. जहाँ पर हम लोगों के पास में steam के साथ में कुछ moisture generate होके हमारे पास में steam में चला जाता है. So हमारा basically motto क्या रहता है, इस moisture को remove करें और हमारे पास जितनी भी superheated steam है या फिर dry steam है उसको हम लोग कहाँ पर भेजें, superheated steam के लिए भेजें. So this is the basic use of स्टीम ड्रम. सो यू कैन मेंशन, आप लोग लिख सकते हो, कहना लिख लो चाहो तो तुम्हारी कॉपीज के अंदर, नोट्स के अंदर, प्लीज मेंशन दिस. द स्टीम ड्रम इज यूज्ड फॉर द मेनली टू पर्पसेस. फर्स्ट, टू स्टोर द वाटर and acts like a reservoir. And second, to separate the steam from the water. These are the basically meaning of the steam drum. Okay. When we talk about its internals, so those parts which are used into the steam drum are called the steam drum internal. Some of the parts are like, we have the scrubber, we have the cyclone separator, we have the baffles, we have the water riser, downcomers, and the steam stop valve, which are mounted onto the steam drum, is a part of the steam drum. It's called its internal. Sometimes we have to ask that what is the meaning of the steam drum internal, so we should know about this, that the steam drum internal means, the meaning of the steam drum internal is that how many values or how many parts are included into the steam drums are called its internal parts. Okay, then how can we separate the water from the, how can we separate the steam from the water or water from the steam? We have doing the three mechanism. Basically, these mechanisms are known as the types of the steam drum. We have the three types of the steam drums. First one is the gravity separation steam drum. Second one is the mechanical separation steam drum, and third one is the centrifugal separation steam drum. Okay, so we have to discuss about these three types of the steam drums. Firstly, we are discussing about the gravity type of the steam drum. This gravity type of the steam drum is much simpler. जैसा हम लोग है ना घरों में देखते हैं, हम लोगों ने क्या करा है, पानी इकट्ठा कर, पानी लिया है ना, ठंडा पानी लेकर आए और उस ठंडे पानी को हम लोगों ने किसमें रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया. तो वाटर के अंदर, ओ सॉरी, एटमॉस्फेयर के अंदर रख दिया. व्हेन वी पुट इट इनटू द एटमॉस्फेयर, व्हाट वी फील कि इसके ऊपर है ना कंडेंसेशन की वजह से क्या हो रहा है, कि पूरा का पूरा वाटर इकट्ठा होता जा रहा है. सेम सेपरेशन मेथड हम लोग किसके अंदर करते हैं, इस ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर करते हैं. लेट लुक अप पिक्चर ना.
ओके एक रफ स्केच क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक स्टीम ड्रम है, हियर वी हैव द स्टीम ड्रम, जहाँ पर हम लोगों को क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर इसमें वाटर फिल है यहाँ पर इस लेवल तक, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड द राइजर ट्यूब्स, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड द राइजर्स, जिसके थ्रू है ना हमारे पास में वाटर क्या करता है, एंटर करता है, दीज बोथ आर द राइजर ट्यूब, जिससे है ना हमारे पास में क्या कर रहा है, हमारा वाटर कहाँ एंटर कर रहा है, स्टीम ड्रम में एंटर करता है, दोनों से ट्यूब्स के अंदर से हमारे पास में वाटर आ गया। यहाँ पर हमारे पास में ना एक डाउन कमर बना हुआ होता है, जो कि डाउन कमर है ना एक वॉल्व का काम करता है, और यहाँ पर एक स्टीम स्टॉप वॉल्व होता है। अब सबसे पहले हमारे पास में है ना राइजर्स के थ्रू वाटर जो होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, हमारे स्टीम ड्रम के अंदर आता है, जिसके अंदर किसका मॉइस्चर, किसका मिक्सचर है, वाटर और स्टीम का, दोनों का मिक्सचर अवेलेबल है। ड्यू टू द ग्रेविटी वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, ग्रेविटी की वजह से वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, और हैवी होने के बाद में क्या होता है, ये वाटर पार्टिकल्स यहाँ से स्लाइड करते हैं, इस एरिया से स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करने के बाद में कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे पास नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और हमारी स्टीम क्या होती है, इसके अपर पार्ट के अंदर इकट्ठी होती जाती है। तो दिस अपर पार्ट, ये जितना भी ये अपर पार्ट है, ये इस अपर पार्ट में ना हमारे पास में क्या इकट्ठी हो चुकी है, यहाँ पर इकट्ठी हो गई हमारे पास में स्टीम, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वाटर। तो वी व्हेन वी सेटल डाउन द थिंग, कि हम इसको जब सेटल डाउन होने देते हैं, तब है ना वाटर नीचे आ जाता है और स्टीम ऊपर चली जाती है, ये स्टीम हम इस स्टीम स्टॉप वॉल्व से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस वाले स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम स्टॉप वॉल्व से बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, और जितना भी है ना वाटर हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है किसी अदर वर्क के लिए, उस वाटर को हम लोग है ना यहाँ ब्लो ऑफ कोक से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ओके। और साथ ही साथ जो भी इसके अंदर कुछ है ना सेगमेंटेशन जनरेट हो गया है, कोई एरर जनरेट हो गई है, उस एरर को निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, लाइक स्केलिंग फॉर्मेशन हो गई है, सैंड है हमारे पास में, सैंड है ना स्लेज बन के है ना इकट्ठी हो गई, उसको सैंड को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द स्टीम ड्रम बॉयलर, विच इज कॉल्ड ये जो सबसे सिंपलेस्ट है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। इसके अंदर हमने कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं किया है, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है ग्रेविटी को, और ग्रेविटी की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर वाटर की सप्लाई हो गई, ठीक है, और वाटर और स्टीम हमारी दोनों क्या हो गई, डिफर हो गई, तो इसको डिफर होने की वजह से इसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड वन आता है मैकेनिकल सेपरेशन, एज अ नेम सेज कि यहाँ पर क्या आ गया, मैकेनिकल सेपरेशन आ गया, तो कुछ है ना मैकेनिकल डिवाइसेज यहाँ पर लग जाती है, तो मैकेनिकल डिवाइसेज की फॉर्म में यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बेफल्स का। बेफल्स इज अ स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास ये राइजर्स है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ना इस टाइप से कुछ बैफल्स लगा देते हैं, ओके। और इन बैफल प्लेट्स के पास में ना यहाँ से स्पेस क्रिएट कर देंगे, यहाँ से स्पेस अवेलेबल होता है, और इसके ऊपर है ना एक स्क्रबर लगा देते हैं, इस टाइप से एक स्क्रबर स्ट्रक्चर जनरेट कर देते हैं, यू कैन सी दिस स्क्रबर इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, कि अगर आप है ना यहाँ पर इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दें, तो एक बार से ये सोचो कि ये वाला जो चैम्बर बना हुआ है ना साइक्लोन वाला चैम्बर, ये साइक्लोन वाला चैम्बर अवेलेबल नहीं है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास राइजर ट्यूब्स लगी हुई होती है, ओके वी कैन सी दिट हियर, कि हमारे पास में ना यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये राइजर एरिया, यहाँ पर हमारे पास क्या लगी हुई है, राइजर ट्यूब्स लगी हुई है। व्हाट इज द यूज ऑफ द राइजर्स, राइजर्स का यूज होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं। वी हैव द डाउन कमर्स हियर, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग ना डाउन कमर्स का यूज कर रहे हैं। लेट सपोज एक बार सोचो कि यहाँ पर है ना ये सेपरेटर्स नहीं है, ठीक है, इफ सेपरेटर्स आर नॉट अवेलेबल, तो हमारा जितना भी वाटर है, ये वाटर क्या करता है, वाटर हमारे ना बैफल से टकराता है। बैफल्स क्या है, बैफल्स एक डिवाइस है जो कि क्या करती है कि आपका जो भी वाटर है उसको कंडेंस करने के लिए हेल्प करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टीम का, कि स्टीम किसी सर्फेस से जाके है ना टकराती है अगर,
अगर स्टीम हमारी है ना किसी भी सरफेस से जाके टकराती है तो उस सरफेस के ऊपर क्या क्रिएट करती है, वहां पर कंडेंसेशन क्रिएट करती है, और हमारी स्टीम क्या करने लग जाती है, कंडेंस होने लग जाती है। हमारी स्टीम क्या होने लग जाती है, कंडेंस होने लग जाती है। इफ स्टीम इज कंडेंस तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस सरफेस के थ्रू स्लाइड्स होते हैं, और आफ्टर स्लाइडिंग ये क्या होते हैं, यहाँ पर नीचे की साइड में इकट्ठे होने लग जाते हैं। ओके, आफ्टर स्लाइडिंग ये क्या होते हैं, नीचे की साइड में जाके इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो वाटर हमारे पास में क्या हो गया, नीचे आ जाता है, और हमारा जो स्टीम है वो स्टीम क्या होने लग जाती है, ऊपर जाने लग जाती है। अब जहाँ हम स्टीम सप्लाई को भेज रहे हैं, उस स्टीम सप्लाई को भेजने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, वायर मैशेज लगा देते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज वायर मैशेज, इन द वायर मैशेज हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी अगर मॉइस्चर कुछ बचा हुआ है, अगर वो बाहर जा रहा है, तो वो इन वायर मैशेज के थ्रू टकराने लग जाता है। इसको हम लोग वायर मैशेज को इको नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्क्रबर। ओके, तो स्क्रबर क्या करता है, स्क्रबर है ना हमारी जो स्टीम है उसको क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। बहुत जैसे जाली होती है ना, पतली पतली सी, इस टाइप की जाली टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास क्या इमेज जनरेट होती है, वायर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उनसे टकरा के क्या हो जाएंगे, वहां पर रुक जाते हैं, और सिर्फ प्योरली स्टीम क्या करती है, हमारे इससे बाहर निकल के जाती है। ओके, तो दिस इज द बेसिकली मैकेनिकल सेपरेशन। और थर्ड जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है हमारे पास में साइक्लोन सेपरेशन। द डिफरेंस बिटवीन द साइक्लोन सेपरेशन एंड द मैकेनिकल सेपरेशन इज कि मैकेनिकल सेपरेशन में हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैफल्स का। आपके सामने यहाँ पर जो ये दोनों डायग्राम अवेलेबल हैं, ये दोनों डायग्राम से ना किसको डिनोट कर रहे हैं, ये डायग्राम डिनोट कर रहे हैं, ये दोनों डायग्राम डिनोट कर रहे हैं हमारे पास है वैल्यूज ऑफ साइक्लोन सेपरेशन मेथड को। व्हाट हैपन इन दिस साइक्लोन सेपरेशन मेथड कि हमारे पास में ना यहाँ पर साइक्लोन्स लगे हुए होते हैं, साइक्लोन सेपरेटर्स लगे होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज साइक्लोन सेपरेटर्स, ये साइक्लोन सेपरेटर्स क्या करते हैं, जो हमारे पास में राइजर से वाटर आता है, उस वाटर को है ना इससे क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। इन दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या हो रहा है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, किसके हैं, वाटर के हैं या स्टीम के हैं, सर वाटर, वाटर के हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, उन वाटर पार्टिकल्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करता है। ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा वाटर पार्टिकल क्या करता है, नीचे की साइड में मूव करने लग जाता है। इफ इट हैपेंस तो वाटर क्या होता है, जल्दी से जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और स्टीम ड्यू टू द वेट हल्की होती है, तो हल्की होने की वजह से क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, और उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेपरेशन करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप जब इसको ऐड करोगे इस पार्टिकल को, तो उस पार्टिकल से क्या हो रहा है, आपके पास जल्दी से है ना यहाँ पर से वाटर आया, वाटर आने के बाद में है ना मिक्सर आया, मिक्सर आने के बाद में सारा कंट्रोल होकर नीचे चला गया, और हाई वाटर लेवल जो होता है, वो स्ट्रीम जो होती है, वो हमारी क्या हो जाती है, ऊपर इकट्ठी होती चली जाती है। अब इसको वे से मॉइस्चर को अलग करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर, एक एक्सटर्नल डिवाइस लिए, इस एक्सटर्नल डिवाइस से अलग करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इस एक्सटर्नल डिवाइस से अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक ऐसे पार्ट का जो कि क्या कर सके, इसको रोक सके। इसके लिए हम लोगों ने यूज करा स्क्रबर। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द स्क्रबर। फर्स्ट स्क्रबर हम लोग लगाते हैं इस पार्टिकल, इस सर्फेस के ऊपर। देखो यहाँ पर इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ना फर्स्ट स्क्रबर लगाया हुआ है, और यहाँ पर सेकेंड स्क्रबर लगाया हुआ है। ये फर्स्ट स्क्रबर क्या कर रहा है, जो साइक्लोन से हमारे पास में है ना स्टीम आ रही है, उस स्टीम को क्या कर रहा है, पहले अब्सॉर्ब कर रहा है। स्क्रबर इज वर्क लाइक अ स्पंज, जैसे अपने घर पास स्पंज होता है, स्पंज में पानी डालते ही क्या करता है, पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है। सेम हमारे पास में स्क्रबर प्लेट्स होती है, ये स्क्रबर प्लेट्स क्या करती है, ये स्क्रबर प्लेट्स जो वाटर आ रहा है उस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब कर लिया तो हमारे पास में क्या बचेगी, इसके अंदर ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम बचेगी। इस ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं और बाहर निकाल देते हैं, किसके लिए, सुपर हीटर के लिए। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द साइक्लोन सेपरेटर। अब बोलो तीनों में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया तो बात करो। तीन मैंने वापस से रिपीट कर देता हूँ, तीनों में डिफरेंस क्या क्या था। पहला था हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, किसी टाइप के मैकेनिकल डिवाइस का यूज हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, सिर्फ हम इसको सेटल डाउन होने देते हैं कि ग्रेविटी की वजह से है ना हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ना नीचे हो जाए, इकट्ठा हो जाता है, और जो हमारी स्टीम है वो स्टीम
हमारे ऊपर जो पार्टिकल में या फिर ड्रम के अपर साइड एरिया के अंदर है ना वो इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम लोग है ना स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू बाहर निकाल के सुपर हीटर के अंदर भेज देते हैं। इन द सेकेंड टाइप ऑफ द मैकेनिकल सेपरेशन मेथड वी आर यूजिंग द बैफल प्लेट्स। दीज बैफल प्लेट्स आर यूज बेसिकली फॉर द सेटलमेंट ऑफ द वॉटर पार्टिकल्स। एज द वॉटर पार्टिकल्स और द स्ट्राइक्स ऑन द बैफल प्लेट्स, इफ इट स्ट्राइक ऑन दीज प्लेट्स देन वॉट हैपन, द वॉटर पार्टिकल्स इज एडेड। और ये वॉटर पार्टिकल्स हमारे पास में क्या करते हैं, ये वॉटर पार्टिकल्स मूव करते हैं नीचे की साइड में। मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ क्लास में आने के लिए, बट इट इज द नेटवर्क इश्यू ऑफ द अदर पर्सन, तो वो क्लास में ऐड नहीं हो पा रहे होंगे। यहाँ पर मेरी तरफ से है ना सबको, मैं अलाउ मेरी तरफ से सब अलाउड है क्लास में आने के लिए। मैं सिर्फ कल मैंने तो एक दो बच्चों को है ना नहीं आने दिया था, बाकी सबको आने दिया था। सो इफ सबको ये अगर आने में प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है, सो इट्स द एरर देयर साइड, ठीक है, उनकी तरफ से एरर है ये, अदरवाइज अपनी तरफ से कोई एरर नहीं है। ओके वी आर हियर। हम लोग मैकेनिकल सेपरेशन के बारे में बात कर रहे थे कि मैकेनिकल सेपरेशन क्या था, कि जिसके अंदर बैफल प्लेट्स का यूज करें, जब ये राइजर से आने वाली है ना मिक्सचर है वो यहाँ पर अटैक करता है, स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद में क्या हो रहा है, वो उसको एंटर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उससे स्ट्राइक करने के बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं किसके, स्टीम के, वो स्टीम मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या अलग यूज कर लेते हैं, एक स्क्रबर प्लेट यूज कर लेते हैं। जनरली दिस स्क्रबर प्लेट इज यू मेड ऑफ द मैश वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैश वायर, मैश वायर का मतलब ये है कि हमारे पास में मैश वायर का मतलब ये है कि हमारे पास में है ना इस टाइप की एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ना क्या कर रखा है, बहुत सारा ऐसे बहुत थिन टाइप की है ना लेयर बना रखी है वायर की, जिस टाइप जैसे अपने पास खिड़कियों में जाली होती है उस टाइप की है ना, यहाँ पर जाली बनी हुई होती है, और इसको एक के ऊपर एक हम लोग क्या करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है। अगर एक के ऊपर एक रख देते हैं तो है ना एक थिन लेयर ऑफ वायर से हमारे पास में क्या बन जाती है, वो लेयर कैसी जनरेट हो जाती है, थिक जनरेट हो जाती है, ओके। और दैट थिक लेयर ऑफ द वायर इज कॉल्ड द वायर मेश। और उस वायर मेश का यूज हम लोग किस में करते हैं, उस वायर मेश का यूज हम लोग करते हैं कि हमारा जो भी वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है वो इस मॉलिक से क्या करता है, इस पे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी करता जाता है। एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल आया तो वहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स बन जाएगी, फिर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आया तो वहां पर ड्रॉप्स बन जाएंगी, यहाँ पर ड्रॉप्स बन जाएंगी, और ड्रॉप्स जनरेट होने लग जाती हैं। ओके सो सर हाँ बेटा क्वेश्चन है, बताओ मोबाइल। अगर वो ड्रॉप्स बन जाता है तो मतलब सर वहां पे हीट मतलब रिड्यूस हो रहा है? हीट रिड्यूस हो रहा है? नहीं, यस सर, नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ द बेसिक थिंग्स ना, कि रिड्यूसिंग हीट नहीं हो रही है। हमारे पास स्टीम क्या कर रही है, स्टीम वेट में हल्की है, वो उसको स्टीम को कहाँ जाना है, बाहर जाना है। अब स्टीम के अंदर क्या है अवेलेबल है हमारे पास में, वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। बस ये सेपरेटर क्या कर रहा है, उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल भी स्टीम के साथ साथ में हमारे सुपर हीटर के पास में जा रहे थे, उन सुपर हीटर के पास में जाने से उसको रोक रहा है। सर तो स्टीम वाटर ड्रॉपलेट्स तभी बनेगा सर कि जब उसका टेम्परेचर डाउन होगा? हमने क्या करा है, हमने स्टीम ड्रम के अंदर ना एंटर करवाया है स्टीम और वाटर के मिक्सचर को, ठीक है। हमने इसको यस सेटल सर, डाउन होने का टाइम दिया कि वाटर सेपरेट हो जाए और स्टीम हमारी अलग से सेपरेट हो जाए, ठीक है। बट स्टिल दे आर सम लिटिल पार्ट ऑफ द वॉटर विच इज अवेलेबल इन टू द मॉइस्चर, जिसको हम लोग ना मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉइस्ट एयर भी बोल रहे हैं। जब ये ऊपर जा रहे हैं तो ये जो मॉस्ट मॉइस्ट पार्टिकल है, ये मॉइस्ट पार्टिकल कहाँ जाते हैं, हमारे पास में हमारे स्क्रबर में और हमारे है ना मैश वायर के अंदर, वहां पर ये पार्टिकल सूख जाते हैं। इट इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ द हीट रिडक्शन होता है, अगर हीट रिडक्शन भी हो रहा है तो बहुत बहुत माइन्यूट पार्टिकल का हो रहा है, तो इट इज अ नेग्लिजिबल थिंग ना। जो मेजरली हीट का है ना जो मेजरली हीट का है ना रिडक्शन हो रहा है ना, वो हमारे पास में कहाँ हो रहा है, हमारे साइक्लोन सेपरेटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पर हो रहा है, कि वहां पर हमारे पास में क्या आ रहा है, वाटर ज्यादा आ रहा है, साइक्लोन सेपरेटर यूज किया तो हमारे पास में वाटर अलग हो रहा है, स्टीम अलग निकल रही है, ठीक है। वाटर अलग हो रहा है, स्टीम अलग निकल रही है, एनर्जी हम लोग ऑलरेडी इन कर रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए, और एनर्जी इन करने के बाद में क्या हो रही है, हमारे पास में वो वैल्यूज एंटर करती जा रही है।
So basically this is the thing. Okay. Okay, sir. So our next is steam superheater. बताओ भाई सुपर हीटर का काम क्या है? ड्राई स्टीम को प्रोड्यूस करना सर. ड्राई स्टीम का प्रोड्यूस करना? बिल्कुल नहीं सर. मतलब ज्यादा मतलब जैसे कंप्रेसर के पास जितना टेम्परेचर नहीं हो पाता उससे ज्यादा टेम्परेचर को ड्राई करना स्टीम का. एनीवन एल्स? हम लोग है ना इसको जनरली लगाते कहाँ पर, मतलब इसकी जो बॉयलर के अंदर पोजीशन होती है वो पोजीशन कहाँ पर होती होगी? आफ्टर सर स्टीम ड्रम के बाद लगता है ये. बट स्टीम ड्रम इज द एक्सटर्नल पार्ट. स्टीम ड्रम को हम लोग है ना बॉयलर के बाहर भी लगा सकते हैं क्योंकि उसको है ना हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बॉयलर के इंटरनल में सिर्फ वो पार्ट लगते हैं जिसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है. हमने जहां पर भी अभी तीन मेथड और सेपरेशन पढ़े, इन तीनों मेथड में मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि हमको है ना किसकी रिक्वायरमेंट है, स्टीम की रिक्वायरमेंट है. मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि हमें इसको हीट करने की रिक्वायरमेंट है तो हमारा स्टीम ड्रम अंदर लगता ही नहीं. फर्नेस के बॉटम पार्ट में सर देखो अगर आप लोगों ने ना प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया हो या फिर प्रीवियस है ना वैल्यूज देखी हो तो वहां पर है ना बहुत इकोनोमाइजर के बाद सर इकोनोमाइजर के नीचे बाद में नीचे रुक जाओ. ये जो हमारी है ना इवेपोरेटिंग ट्यूब्स होती है, ठीक है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द इवेपोरेटिंग ट्यूब एंड द इकोनोमाइजर. इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या लगा होता है? सुपर हीटर लगा होता है बिकॉज इट रिक्वायर्स द हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी. ठीक है, इसको क्या चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी चाहिए. इसको हम लोग है ना बेसिकली दो टाइप से डिवाइड करते हैं. एक होती है मैकेनिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, दूसरी होती है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्शन, अकॉर्डिंग टू द जोन ऑफ द हीट, कि जितनी इसको है ना हीट मिल रही है उस हीट की फॉर्म में किस टाइप से जा रहा है उसको हम लोग है ना सुपर हीटर को डिवाइड करते हैं. और सेकंड टाइप इज द अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में. तो आज की क्लास में हम लोग है ना सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से हम लोग मैकेनिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमारी सुपर हीटर को डिवाइड करते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो सुपर हीटर आता है ना वो होता है पेंडेंट टाइप. लिख लो टाइप्स ऑफ द सुपर हीटर, उसके अंदर फर्स्ट लिखना अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल स्ट्रक्चर. According to the mechanical structure. ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो स्टीम ड्रम को डिफाइन किया है, स्टीम सुपर हीटर को डिफाइन किया है, दैट इज द थ्री पार्ट ऑफ द स्टीम सुपर हीटर. फर्स्ट इज अ पेंडेंट टाइप. पेंडेंट टाइप और सुपर हीटर्स किस टाइप के होते हैं? जैसे हमारे पास में ना ये मान लो कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, यह एक ट्यूब बनी हुई है, दिस टू टाइप्स ऑफ द ट्यूब्स, और इसको हम लोग है ना ऐसे यूट्यूब बना देते हैं इस टाइप से. तुम लोग यू बनाना इसको, ठीक है. वी हैव द दीज टू टाइप्स ऑफ द ट्यूब्स. ठीक है, अगर ये हमारे पास में कुछ इस टाइप से ट्यूब्स अवेलेबल है तो यहाँ से हमारे पास में क्या होता है, वाटर सुपर हीटर जो हमारे पास वाटर आ रहा है वो इकट्ठा आता है इसके अंदर. यहाँ से हमारे पास है ना क्या आता है, वाटर आता है इसके अंदर, स्टीम आती है. यहाँ पर से हमारे पास में है ना ये जो जोन है इस टाइप से, ये रेड जो मैंने बताया यहाँ से हॉट फ्लू गैसेज आ रही है. ये हॉट फ्लू गैसेज क्या कर रही है, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप है, वर्टिकल टाइप है तो है ना हमारी जो हॉट फ्यूल गैसेस का है ना फ्लो होगा वो कैसा होगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा.
इस टाइप से हमारे पास में क्या आ रही है, हॉट फ्लू गैसेज आ रही है, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग है ना सुपर हीटर को है ना इसके अंदर सुपर सैचुरेटेड स्टीम को यहाँ पर भेज रहे हैं, क्योंकि सैचुरेटेड स्टीम इन फ्लू गैसेज के कॉन्टेक्ट में आ रही है। ये कंफ्यूज मत होना, रेड और ब्लैक दोनों कलर से मैं ना ये डायरेक्शन ऑफ बता रहा हूँ। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ द बॉयलर है तो रेड डायरेक्शन जो है उसके अंदर हमारे पास स्टीम का फ्लू गैसेज का फ्लो होगा। अगर हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑफ द बॉयलर है तो जो ये ब्लैक कलर के एरोज के अंदर समझा रखा है आपको, इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टीम का फ्लो होगा। ओके, देन ये स्टीम जो है इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर इकट्ठी हुई, इसको हीट मिली, हीट मिलने के बाद में क्या होता है, ये स्टीम यहाँ से सुपर हीटेड फॉर्म में ये इससे बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, सुपर, इसको यूज करके हम लोग नोजल एंड डिफ्यूजर के पास में भेज देते हैं, जो कि इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करके कहाँ पर भेज देती है, हमारे टर्बाइन के पास में भेज देती है। इसका कुछ ड्रॉबैक है, तुमको रहना स्ट्रक्चर देख के क्या ड्रॉबैक दिख रहा है? लकी, मुकुल, मनीष, प्लीज संजय कुमार, सर हीट का वेस्टेज हो रहा है। हीट का वेस्टेज हो रहा है? नहीं, एक्सेप्ट दैट, हीट तो कहीं वेस्टेज नहीं होती है। अगर हमारा स्टीम ड्रम है ना या फिर हमारा बॉयलर है तो इस पहले सबसे पहले हीट इसने किसको दे दी, हमारे इवेपोरेटिंग ट्यूब्स को दे दी है, फिर पैसेज के अंदर है ना ये आ रहा है तो ये इसको स्टीम मिल रही है, फिर हमारे पास पैसेज के अंदर क्या आएगा, आगे इकोनोमाइजर आएगा तो वो उसको स्टीम दे देगा, सो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द वेस्टेज ऑफ द स्टीम हियर। और कोई बच्चे, अगर हमारे पास है ना ब्रेकडाउन हो जाए ना, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि हमारा प्लांट रुक जाए, वर्किंग करना रुक जाए, तो एट दैट टाइम जब हमारा प्लांट वर्किंग करना रुक रहा है तो एट दैट टाइम क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारा स्टीम जा रही है वो स्टीम कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, मॉइस्चर के अंदर, और मॉइस्चर में कन्वर्ट होने के बाद में ना यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो है हमारे पास है ना वाटर इकट्ठा हो जाता है ऐसे नीचे वाली लेयर में, पानी का कलर बदल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है, हमारे पास में वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिसको है ना बाहर निकालना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, इसको हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए मेंटेनेंस जो होती है वो मेंटेनेंस खराब हो जाती है। इसकी मैकेनिकल एजिलिटी बढ़िया है कि यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्लैंप कर दिया अपर साइड से, और अपर साइड से क्लैंप करने के बाद में क्या हो रहा है, इसको है ना एजिलिटी स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, बट यहाँ पर जो वाटर इकट्ठा हो रहा है, वाटर इकट्ठा होने की वजह से इसकी वैल्यू जो होती है एट द टाइम ऑफ द लॉकडाउन या फिर ब्रेकडाउन, तो उस ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, प्लांट का बंद होना या फिर बॉयलर का बंद होना, दिस कॉल्ड द ब्रेकडाउन, तो उस टाइम पे है ना ये वर्किंग जिसके अंदर क्या खटा रहता है वाटर, जिसको रिमूव करना बड़ा ही टिपिकल होता है। अब तुमको पता है ये सुपर हीटर यूज कर रहे हैं हम लोग, सुपर हीटर यूज कर रहे हैं तो ये किससे बना होगा, एक ऐसे मटेरियल का बना होगा जो कि हाई टेम्परेचर के अंदर विदिस्टेंड कर सके, क्योंकि पहले तो वो स्टीम, फिर सुपर हीटर करने का मतलब उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसे पार्ट के अंदर अगर वाटर इकट्ठा हो जाए तो वो क्या करता है, उसको डिके करता है। अब इससे बचने के लिए क्या किया गया, इससे बचने के लिए है ना यहाँ पर हम लोगों ने इसका दूसरा टाइप यूज किया, दैट सेकंड टाइप इज नोन एज द इन्वर्टेड टाइप ऑफ द, लिख लो सेकंड टाइप, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के अंदर इन्होंने क्या किया, ये जो ट्यूब्स हम लोगों ने स्ट्रेट बनाई थी, इस स्ट्रेट ट्यूब्स को चेंज करके है ना क्या कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया, मतलब जैसे इसको है ना उल्टा कर दिया, बोले भैया पानी की दिक्कत हो रही है तुमको, इस पानी की दिक्कत को हम लोग दूर कर देते हैं, पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए इन्होंने इन ट्यूब्स को क्या कर दिया, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कम्प्लीटली चेंज कर दिया, और ये जो स्ट्रक्चर थी ये यहाँ पर क्लैंप हो रखी थी, ऐसे मैकेनिकली क्लैंप हो रखी थी ये ट्यूब। अब यहाँ से है ना ये तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम तो दूर हो गई कि अगर यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है उसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, अगर यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, बट यहाँ पर एक नई है ना प्रॉब्लम जनरेट हो गई ड्यू टू द हाई वेलोसिटी ऑफ द फ्यू गैसेस, इसको हम लोग है ना एक स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे। ये क्या कर रहा था, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, हाई एयर की वजह से, हाई वेलोसिटी की वजह से इसकी मैकेनिकल रिजिडिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई, तो इसका फेलियर हो गया,
मतलब जितना ज्यादा ये सक्सेसफुल हुआ उतना ही ज्यादा ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब है ना साइंटिस्ट ने कहा यार क्या करा जाए, इससे बचने के लिए इन्होंने ना इन दोनों का बीच का रास्ता निकाला और थर्ड टाइप ऑफ द ट्यूब्स यूज करी, जिनको है ना बोला गया हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स कैसी थी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, लाइक अ यू मैग्नेट। अब देखो इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर क्या था, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। बाद में तो क्या करा हम लोगों ने, जब स्ट्रक्चर जनरेट करनी है तो हम लोग इस टाइप से स्ट्रक्चर बहुत सारी है ना ट्यूब्स लगा देते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब बॉयलर के अंदर फायदा क्या था, इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब बॉयलर के अंदर हमारे पास सबसे पहला फायदा ये था कि जैसे हमारे पास एयर का फ्लो हो रहा है, लाइक हमारे पास स्टीम फ्लो हो रही है, फ्लू गैसेस फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और इस स्टीम के साथ साथ में अगर हमारे पास में जो वाटर था वो फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन के अंदर, तो इस वाटर के फ्लो की हमको क्या मिल रहा है, वाटर को प्रॉपर स्पेस मिल रही है हीट जनरेट करने के लिए, कि हीट गेन कर रहा है ये बहुत अच्छे से। सेकंड, जब ये स्टीम बाहर निकल रही है यहाँ पर, तो अगर ये है ना ब्रेक डाउन में भी चला जाए तो ये इसके अंदर जो वाटर इकट्ठा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर हीटिंग इसको मिल रही है। थर्ड, कि इसकी जो मैकेनिकल रिजिडिटी है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन, ये जो हमारा सैपा सेकंड में बनाया था ये वाला, इसके कंपैरिजन में इसकी मैकेनिकल रिजिडिटी भी बहुत अच्छी मिल रही थी। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने के बाद में ये बोला गया कि व्हेन वी आर यूजिंग द स्टीम सुपर हीटर इनटू द बॉयलर, वी आर मोस्टली यूज दिस टाइप ऑफ द बॉयलर, दिस टाइप ऑफ द सुपर हीटर, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल ट्यूब सुपर हीटर। ठीक है, so today what we are discussing about the steam drum, कि steam drum क्या था और कैसे इसके types थे, basically three types हम लोगों ने बात करे, और जो भी इसके internal parts थे, like हम लोगों ने है ना separation, mechanical separation के अंदर बताया कि baffles थे वहाँ पर हमारे पास में, है ना separating tubes है हमारे पास, scrubber है, वो क्या हो गया इसका internal, इसके integral हो गए। Similarly अगर हम लोग आए किसके ऊपर, cyclone separator के अंदर, तो हम लोगों ने ना स्क्रबर के साथ साथ में एक है ना cyclone separator का यूज करा, वो भी किसका पार्ट है, हमारे ड्रम का पार्ट है, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द इंटीग्रल। हमने बात करी किसके बारे में, सुपर हीटर के बारे में, तो सुपर हीटर क्या था, सुपर हीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या कर रही है, ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम को कन्वर्ट कर रही है सुपर हीटर स्टीम के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द सेम फ्लू गैसेस अवेलेबल इन टू द फ्लू अवेलेबल इन टू द बॉयलर्स चैम्बर या फिर कंबशन चैम्बर। हम लोगों ने बात करी कि कितने टाइप्स के हमारे पास में है ना सुपर हीटर है, बेसिकली दो टाइप से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, एक टाइप की कितनी एनर्जी